बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ सेवेंथ क्लास, इट्स योर जनरल साइंस क्लास टाइम। होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। डियर स्टूडेंट, फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज विलेंसी। बट इसको कंपेयर करेंगे हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर टॉपिक पढ़ा है, एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पहले हमने हिस्ट्री पढ़ी थी इस चैप्टर में एटम की, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखा है, जिसमें हम लोग मेन पॉइंट्स में देखते हैं कि हमने देखा एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसके शेल्स होते हैं उस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब हम देखते हैं एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, उनसे रिलेटेड ये टॉपिक है वैलेंसी। मीन्स एटम जो है वो कंप्लीट करते हैं उस अपने आउटर मोस्ट शेल को, जो उसका वैलेंस शेल होता है, जो कि लास्ट शेल होता है, उसको कंप्लीट करते हैं। और उसको कंप्लीट करने के लिए टू रूल्स होते हैं, डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। उसमें ये होता है कि डुप्लेट में एलिमेंट का जो एटम है वो क्या करता है, टू इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम के कंप्लीट करता है, और जबकि ऑक्टेट रूल में 8 कंप्लीट करता है। अब आप कहें कि कौन से ऐसे हैं जो 2 कंप्लीट करते होंगे, कौन से 8 करते होंगे। सो इट्स मींस जब आउटर मोस्ट शेल के अंदर उनके 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 को कंप्लीट करेगा, अगर उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है मींस उसकी वैलेंसी क्या है, कंप्लीट है, उसको स्टेबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है, उसको किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की भी ज़रूरत नहीं है और लॉस करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी 2 से ऊपर हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, तो वो क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपने शेल के अंदर कंप्लीट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी एटम है वो अपने डुप्लेट और ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, अपने शेल के अंदर कंप्लीट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्यों करता है, फॉर स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी के लिए जो है अपना शेल जो है वो उसको कंप्लीट करता है। जब वो अपने शेल को कंप्लीट करने की कोशिश करता है तो या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, या वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, या क्या करता है, शेयर करता है। इन 3 चीज़ों की वजह से उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट होता है, इसको क्या कहा जाता है, वैलेंसी कहा जाता है। वैलेंसी की डेफिनेशन देखें, क्या द एबिलिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू मेक केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड वैलेंसी। मीन्स किसी एटम की एबिलिटी या उसकी कैपेसिटी कि वो केमिकल बॉन्ड बनाए, उसको वैलेंसी कहते हैं। अब आप कहेंगे टीचर ने तो बोला है कि जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन, लॉस और शेयर करता है तो वो वैलेंसी होती है, तो जब वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन या लॉस करता है या शेयर करता है तो वो क्या करता है, केमिकल बॉन्ड बनाता है। मीन्स किसी भी एटम की एबिलिटी या कैपेसिटी टू मेक केमिकल बॉन्ड इज नोन एज वैलेंसी। फर्दर डिटेल देखते हैं कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स आइदर विद सेम और डिफरेंट एलिमेंट इज डिफाइंड एज वैलेंसी। कोई भी एटम जो है वो कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाए, चाहे वो सेम कम्बिनेशन हो, चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ उसका कम्बिनेशन हो, तो वो क्या होता है, वैलेंसी, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में, उसकी वैलेंसी क्या हुई, 1 हुई। इसको फर्दर हम डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सोडियम की वैलेंसी 1 है। अभी देखते हैं जैसे कि एलिमेंट के सिंबल्स होते हैं, कंपाउंड की भी रिप्रेजेंटेशंस होती हैं कि हम उसका फार्मूला लिखते हैं, जिसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है, हम उसको फार्मूला कहते हैं कि हम फार्मूला लिखते हैं किसी कंपाउंड का। इसी तरह बिफोर राइटिंग फार्मूला इट इज़ नेसेसरी टू नो हाउ एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड। फॉर दिस लेट अस डिफाइन अ न्यू कंसेप्ट कॉल्ड वैलेंसी। एक वैलेंसी एक ऐसी चीज़ को हम कहते हैं जिसमें कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट का हमें पता चलता है। मींस कि कैसे एटम्स जो हैं या एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल या फार्मूला बनाते हैं, इसके बारे में पहले हमें वैलेंसी का पता होना चाहिए कि उनकी कम्बिनेशन कैसे हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी।